हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। आपने गेस्ट टीचर्स को अनशन पे बैठते देखा होगा, या वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है रिजल्ट के लिए उनको अनशन पे बैठते देखा होगा, या कोई अन्य कारण इनके लिए आपने उनको अनशन पे बैठते देखा होगा। लेकिन क्या आपने देखा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ वो अनशन पर बैठे, और वो भी आमरण अनशन, मतलब मरते दम तक अनशन पे रहेंगे अगर उनकी मांगे पूरी ना हो। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की। जैसा कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही 9000 रिक्त पदों पर रेगुलर जेबीटी भर्ती का विज्ञापन निकलवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो राजेश पाल जी जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन है, इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने कहा है कि वो जल्द ही आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और देखा जाए इन साथियों का जो एस्टेट है उसकी वैलिडिटी भी जल्द खत्म होने वाली है। तो ये साथी हुड्डा ग्राउंड शिक्षा सदन के पीछे सेक्टर 5 पंचकुला 3 फरवरी 2019 समय 12 बजे तो ये अनशन पर बैठने वाले हैं। जैसा कि मेरी इनसे बात हुई थी, ये साथी बोल रहे हैं कि जो एस्टेट पास है हरियाणा के अंदर, उनको एक मौका नहीं दिया गवर्नमेंट ने। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि गवर्नमेंट उनसे पैसे कमा रही है, उनको रोजगार दे रही है। उन कैंडिडेट्स की गलती क्या है? एक तो ये कि कोई वैकेंसी है नहीं, एक ये है कि वैकेंसी है फिर भी गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो आमरण अनशन करने वाले हैं, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसे कैंडिडेट्स ना तो वो गेस्ट टीचर हैं, ना वो रिजल्ट के लिए, सिर्फ वैकेंसी निकलवाने के लिए वो आमरण अनशन करने वाले हैं। तो साथियों, ये एक बहुत चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को जरूर उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, एक रेपुटेशन खराब होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की। तो ये बहुत गलत हो रहा है, और अगर शिक्षकों के साथ इतना गलत है तो ये बहुत ही गलत बात है। गवर्नमेंट को जरूर इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वैकेंसी निकाल देंगे, लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और ये जो कदम उठाया जा रहा है, हालांकि बहुत रिस्की कदम है, ये साथी अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां पर जा रहे हैं, तो बहुत मतलब दुख हो रहा है देख के कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इन पर। तो साथी जो भी खबर होगी आपको बता दी जाएगी। तो एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं, हुड्डा ग्राउंड शिक्षा सदन के पीछे सेक्टर 5 पंचकुला 3 फरवरी समय 12 बजे तो यहाँ पर ये साथी पहुँचेंगे, और साथी देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इनकी समस्या पर विचार करे, इस चीज़ की नौबत ही ना आए, क्योंकि अगर शिक्षकों के साथ देश में ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत बात है। जिसे राष्ट्रीय निर्माता कहा जाता है, उस राष्ट्रीय निर्माता के साथ अगर गवर्नमेंट भी गलत करती है तो ये बहुत गलत बात है। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।